तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फ्लेसी। फ्रेंड, यदि आप इंडियन स्टैम्प को कलेक्ट करते हैं तो आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इंडियन स्टैम्प के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड, इस स्टैम्प का जो नाम है वो दुर्गा प्रसाद चौधरी इंडिया स्टैम्प है। फ्रेंड, आज मैं आपको इसी स्टैम्प के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आप इस स्टैम्प को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और आप इस स्टैम्प को कलेक्ट करके आप कैसे इसे ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे। तो फ्रेंड, इस स्टैम्प को 2012 में रिलीज किया गया है। 2012 में इस स्टैम्प को जब रिलीज किया गया था तो उस टाइम इसकी जो प्राइस थी फ्रेंड वो सिर्फ 5 रुपीज़ थी। बट अभी इस स्टैम्प की जो करंट प्राइस है 2023 में वो 120 रुपीज़ हो गई है। तो फ्रेंड, आप समझ सकते हैं कि ये स्टैम्प आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है यदि आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या फिर आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं। तो फ्रेंड, यदि आप किसी फ्रेंड रिलेटिव या किसी दोस्त को आप ऐसे गिफ्ट भी देना चाहते हैं तो भी आप इस स्टैम्प को कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यदि आप इस स्टैम्प को 2012 में आप कलेक्ट किए होते तो अभी आप इस स्टैम्प से 115 रुपीज़ का आप इसमें अर्निंग कर पाते। तो फ्रेंड, ये स्टैम्प आपके लिए बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस स्टैम्प को जरूर कलेक्ट कीजिएगा। तो फ्रेंड, हम जान लेते हैं कि इस स्टैम्प को किस डेट को रिलीज किया गया है। तो फ्रेंड, इस स्टैम्प को 31 जुलाई 2012 में रिलीज किया गया है, जिसका नाम दुर्गा प्रसाद चौधरी इंडिया स्टैम्प रखा गया था। फ्रेंड, ये स्टैम्प का इमेज है जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फ्रेंड, मैंने अभी आपको बताया कि इस स्टैम्प को 2012 में रिलीज किया गया है और जब इसे रिलीज किया गया था तो उस टाइम इसकी जो प्राइस थी वो सिर्फ 5 रुपीज़ थी। तो फ्रेंड, हम आपको बता देते हैं कि इस स्टैम्प को क्यों रिलीज किया गया था और किस डिपार्टमेंट के द्वारा इसे रिलीज किया गया था। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ जिससे बताने वाला हूँ कि इस स्टैम्प को क्यों रिलीज किया गया था और किस डिपार्टमेंट के द्वारा इस स्टैम्प को रिलीज किया गया था। दुर्गा प्रसाद चौधरी वाज ए फ्रीडम फाइटर कैप्टन। फ्रेंड, दुर्गा प्रसाद एक स्वतंत्र क्रांतिकारी थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 18 दिसंबर 1906 इन शिखर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। फ्रेंड, इनका जो जन्म हुआ था वो 18 दिसंबर 1906 में शिखर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में हुआ था। ही पार्टिसिपेटेड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विथ महात्मा गांधी। फ्रेंड, इन्होंने असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ दिया था। इन 1942 ही हैड टू गो टू जेल फॉर द रिवेलियन इन द क्विट इंडिया मूवमेंट। फ्रेंड, इन्होंने 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में इनको जेल जाना पड़ा था। टू कमरेट हिज कंट्रीब्यूशन द इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट इशूड द दुर्गा प्रसाद चौधरी इंडिया स्टैम्प। फ्रेंड, इनके कंट्रीब्यूशन को कमरेट करने के लिए इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इस स्टैम्प को रिलीज किया गया था, जिसका नाम दुर्गा प्रसाद चौधरी इंडिया स्टैम्प रखा गया था। फ्रेंड, हम जान लेते हैं इस स्टैम्प के एट्रीब्यूट के बारे में। तो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ इस स्टैम्प के एट्रीब्यूट के बारे में। तो फ्रेंड, इस स्टैम्प का जो कंट्री ओरिजिन है वो इंडिया है। सेट टाइप स्टैम्प है, रिलीज ईयर 31 जुलाई 2012 है। जियोग्राफी वो सिंगल कंट्री है। स्टैम्प कंडीशन है वो न्यू है। फ्रेंड, इस न्यू स्टैम्प को आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं वो मैं अभी आपको सारी प्रोसेस यहाँ पे कभी करके बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, आपको इस स्टैम्प को कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। मैं आपको यहाँ पे सारी प्रोसेस अभी करके दिखाने वाला हूँ। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे बाय इंडिया स्टैम्प आपको यहाँ पे सर्च करना है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। बाय इंडिया स्टैम्प आपको सर्च करने के बाद जो फर्स्ट रैंक में साइट आ रहा है बाय इंडिया स्टैम्प फ्लेसी, आपको केवल flesi.com पे जाना है। flesi.com आपको इस पर केवल क्लिक कर देना है। आप जैसे ही बाय इंडिया स्टैम्प फ्लेसी पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपका ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा और आप इस वेबसाइट से जो भी स्टैम्प या मिनीचर सेट आप कलेक्ट करना चाहते हैं, उसे अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट से कलेक्ट कर सकते हैं। अब जो भी स्टैम्प आप कलेक्ट करना चाहते हैं वो सबसे पहले आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में आपको सर्च कर लेना है। मैं अभी जिस स्टैम्प के बारे में अभी आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड, मैंने जैसे यहाँ पे सर्च किया दुर्गा प्रसाद चौधरी, उसके बाद ये स्टैम्प यहाँ पे शो कर रहा है, उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद ये पेज आपका ओपन हो जाएगा और इस स्टैम्प की जो करंट प्राइस है जो मैंने अभी आपको बताया हुआ था कि वो 120 रुपीज़ हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो प्राइस है वो 120 रुपीज़ हो गई है। और यहाँ पे इस स्टैम्प का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है जो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद फ्रेंड, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, यानी आप जितना इस स्टैम्प को कलेक्ट करना चाहते हैं 1, 2, 3, 5 वो आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ऐड टू कार्ट पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आप शॉपिंग कार्ट में आ जाएंगे। शॉपिंग कार्ट में फ्रेंड, आप यहाँ से भी क्वांटिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट पे आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट पे आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स फिल करनी है। बिलिंग डिटेल्स में फ्रेंड, आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस, टाउन, स्टेट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लेस ऑर्डर प्रोसीड टू पेपल पे आपको क्लिक कर देना है।
अब जैसे प्रोसीड टू पेपल पे आप क्लिक करते हैं, उसके बाद आपका ऑर्डर लिस्ट ओपन हो जाएगा। ऑर्डर लिस्ट में फ्रेंड आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया हुआ है, एक पेपल है, एक पे बिया इंस्टा मोजो है, क्रेडिट कार्ड है। आप जिससे भी बाई करना चाहते हैं आप इस स्टैम्प को आप उससे कर सकते हैं। यदि आप क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करना है। क्रेडिट कार्ड में आपको क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायर डेट, कार्ड बोर्ड, CVC कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। आप जैसे प्लेस ऑर्डर पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद ये स्टैम्प आपका ऑर्डर हो जाएगा और आपके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि आपको इस स्टैम्प को आपके घर तक कितने दिन में डिलीवर कर पाएंगे। तो फ्रेंड यदि आप इस स्टैम्प को कलेक्ट करना चाहते हैं तो मैंने आपको सारी प्रोसेस इस वीडियो में बता दी है कि आप इस स्टैम्प को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं और आप इस स्टैम्प को कलेक्ट करके आप कैसे इसे ऑनलाइन अर्निंग कर पाएंगे। यदि आप किसी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी दोस्त को आप ऐसे गिफ्ट भी देना चाहते हैं तब भी आप इस स्टैम्प को कलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड यदि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएँ ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुँचे। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में एक नए स्टैम्प, एक नए मिनिएचर शीट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड बाय, थैंक यू।